हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। आज हम यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल फोर्टनाइट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं 11 डिफरेंट मोबाइल्स के बीच में। यहाँ पे हम रियलमी XT, रेडमी K20, Vivo Z1X, Redmi Note 8 Pro, Redmi K20 Pro, Samsung Galaxy M30s, Realme X, Realme 5 Pro, Mi A3, Vivo Z1 Pro, Redmi Note 7 Pro के बीच में एक्सट्रीम लेवल फोर्टनाइट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और आपको ये बताएंगे कि ये 11 डिवाइसों में से सबसे अच्छा डिवाइस कौन सा है फोर्टनाइट प्ले करने के लिए, कौन से डिवाइसों में आपको फोर्टनाइट सपोर्ट मिल जाएगा। यानी कि मार्केट में काफी सारे डिवाइस है मिड रेंज के जिनमें फोर्टनाइट सपोर्ट ही नहीं करता, उनके हार्डवेयर कैपेबल ही नहीं है फोर्टनाइट को प्ले करने की। अगर हम यहाँ पे फोर्टनाइट के वेरियंट की बात करें तो सेम गेम के दो साइज आपको देखने को मिलेंगे। लो ग्राफिक सेटिंग्स के लिए 2.47 GB के अप्रोक्स का रहता है और जो डिवाइस हाई ग्राफिक सेटिंग सपोर्ट करते हैं उनमें आपको 5.5 GB के अप्रोक्स का गेम देखने को मिलेगा। गेम दोनों में ही सेम रहता है, बस ग्राफिक सेटिंग्स का डिफरेंस रहता है। तो अगर हम यहाँ पे टेस्ट के बेसिक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं हमने सारे डिवाइसों को कंप्लीट चार्ज किया था, यानी कि 100% बैटरी कैपेसिटी थी। सभी को हमने सेम नेटवर्क से कनेक्ट किया था फ्लाइट मोड ऑन करके, जिससे एक्स्ट्रा आउटडोर नेटवर्क कनेक्टिविटी किसी में भी नहीं रहे। और यहाँ पे हमने गेमिंग स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहला पॉइंट, जैसे हमने गेमिंग स्टार्ट करी यहाँ पे दो ऐसे डिवाइस थे जिनमें फोर्टनाइट सपोर्ट नहीं किया। हमने इंस्टॉलेशन किया कंप्लीट, लेकिन यहाँ पे फोर्टनाइट दो ऐसे डिवाइस थे जिनमें सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, जो था सैमसंग गैलेक्सी M30s और MIA3। MIA3 में तो स्नैपड्रैगन 665 लगा मिलता है जो उतना हैवी प्रोसेसर नहीं है फोर्टनाइट को सपोर्ट कर ले। यानी स्नैपड्रैगन 665 वाले जितने भी मोबाइल हैं, चाहे वो रियलमी 5 हो, वीवो के हों या अदर डिवाइस हों, उनमें फोर्टनाइट सपोर्ट नहीं करेगा। और अगर सैमसंग की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M30s जिसमें पबजी SDR विद अल्ट्रा तक सपोर्ट करता है, उसमें फोर्टनाइट सपोर्ट ही नहीं कर रहा, यानी कि उसका हार्डवेयर कैपेबल ही नहीं है फोर्टनाइट को प्ले करने में। तो ये जो दो डिवाइस थे ये पहले ही टेस्ट से आउट हो गए। अब हमारे पास बचे हैं 9 डिवाइस जिनके बीच में हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सारे डिवाइसों की ग्राफिक सेटिंग्स आपको चेक करा दें, तो यहाँ पे Redmi K20 Pro एक लौता ऐसा डिवाइस था जिसमें आपको एपिक यानी कि फोर्टनाइट की सबसे हाई ग्राफिक सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी, जो है एपिक। जबकि अगर हम यहाँ पे अदर डिवाइस की बात करें तो Redmi Note 8 Pro एक ऐसा डिवाइस था जिसमें आपको हाई तक का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि हाई ग्राफिक सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा बचे हुए सारे डिवाइसों में Redmi Note 7 Pro को छोड़ के आपको मीडियम तक का ऑप्शन मिलता है, यानी कि मीडियम ग्राफिक्स का ऑप्शन मिलता है। और Redmi Note 7 Pro एक लौता ऐसा डिवाइस था जिसमें आपको लो ग्राफिक्स का ऑप्शन मिलता है, उसके आगे ये ऑप्शन नहीं जाता है। यानी कि देखा जाए तो Redmi Note 7 Pro फोर्टनाइट का एंट्री लेवल का मोबाइल है, यानी कि फोर्टनाइट सपोर्ट करने वाला एंट्री लेवल का मोबाइल हम बोल सकते हैं Redmi Note 7 Pro को। तो यहाँ पे टेस्ट को फेयर करने के लिए हमने सारे डिवाइसों की ग्राफिक सेटिंग्स को सिमिलर कर दिया, यानी कि लो कर दिया जो Redmi Note 7 Pro में आपको मिल रही है, और कंटिन्यूसली टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे टेस्ट के बेसिक्स की बात करें, यानी कि टेस्ट के बेसिक्स फिर से आपको बता दें, तो यहाँ पे हमने सभी में फ्लाइट मोड डाला है और ब्राइटनेस लेवल फुल रखी है, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ऑफ रखी है और कंटिन्यूअसली गेम प्ले कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे गेम प्ले की बात करें तो गेम प्ले हमें वैसे तो सभी में काफी अच्छा देखने को मिल रहा था, लेकिन Redmi Note 10 Pro में थोड़ी ज्यादा लैगिंग फ्रेमिंग हो रही थी। यानी कि Redmi Note 10 Pro सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन उसमें आपको उतना स्मूथ गेम प्ले देखने को नहीं मिलेगा, ना ही ग्राफिक्स। जबकि अगर हम यहाँ सबसे स्मूथ गेम प्ले की बात करें तो Redmi K20 Pro में हमें काफी ज्यादा स्मूथ मिल रहा था, क्योंकि उसमें Snapdragon 855 भी लगा मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको Redmi Note 8 Pro में भी काफी स्मूथ गेम प्ले देखने को मिल जाएगा, यानी कि स्मूथनेस के मामले में K20 Pro, Redmi Note 8 Pro काफी आगे हैं। और Realme XT और Realme 5 Pro में भी आपको काफी स्मूथ गेम देखने को मिल जाता है, लेकिन कंपेरिजन वाइज हमें Note 8 Pro और K20 Pro का ज्यादा स्मूथ लगा गेम। और अगर हम यहाँ पे कंप्लीट बैटरी ड्रेन कैलकुलेट करके आपको शो करें, तो बैटरी ड्रेन पूरी तरह बैटरी कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, प्रोसेसर के साइज और प्रोसेसर किस तरह से सेम टास्क को परफॉर्म करने में पावर कंज्यूम करता है उस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो डिवाइस सबसे पहले डिस्चार्ज हुआ वो LCD पैनल वाला ही था, Redmi Note 7 Pro। Redmi Note 7 Pro जिसमें 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल रही है, इसे कंप्लीट डिस्चार्ज होने में जो टाइम लग गया वो है 4 hour 46 minutes का, और इसके आसपास ही गेम प्ले के ड्यूरेशन में टाइम देता हुआ नजर आता है फोर्टनाइट में Redmi Note 7 Pro। 4 hour 46 minutes में कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया।
जबकि इसके बाद जो डिवाइस यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ है वो थोड़ा सरप्राइजिंग है। हमें ऐसा लगा था कि इसके बाद 4000 या 3700 mAh बैटरी कैपेसिटी वाले मोबाइल डिस्चार्ज होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद जो डिवाइस यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ वो 4500 mAh बैटरी कैपेसिटी वाला है Redmi Note 8 Pro। 5 hour 15 minutes तक चला है Redmi Note 8 Pro, यानी कि 29 मिनट का ज़्यादा बैटरी बैकअप दिया है Note 7 Pro से, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से उतना अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आ रहा बैटरी बैकअप के मामले में Redmi Note 8 Pro। और Redmi Note 8 Pro के बाद जो डिवाइस यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ है वो है Realme 5 Pro। 5 hour 28 minutes तक चला है, यानी कि 13 मिनट का ज़्यादा बैटरी बैकअप दिया है Redmi Note 8 Pro से। हालांकि दोनों के बीच में 500 mAh का बैटरी कैपेसिटी का डिफरेंस है, तो Realme 5 Pro ने यहाँ पे डेफिनेटली Note 8 Pro से ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप दिया है। और Realme 5 Pro के बाद यहाँ पे जो डिवाइस डिस्चार्ज हुआ है वो है Redmi K20 Pro। 27 मिनट के बाद 5 hour 55 minutes में Redmi K20 Pro कम्प्लीट डिस्चार्ज हो गया। और यहाँ पे AMOLED पैनल वाला पहला डिवाइस जो डिस्चार्ज हुआ वो भी K20 Pro है। और इसके लगभग 27 मिनट बाद यानी 27 मिनट्स बाद Redmi K20 भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। 6 hour 22 minutes में Redmi K20 कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। लेकिन Redmi K20 के बाद जो डिवाइस यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ है उसमें सबसे कम बैटरी कैपेसिटी थी, यानी Realme है 3700 mAh बैटरी कैपेसिटी होने के बाद भी इसने काफी सारे डिवाइसों को हराया। 4500 mAh बैटरी कैपेसिटी वाले मोबाइलों को भी हराया। 6 hour 23 minutes तक चला है Realme X। तो यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल तीन मोबाइल बचे वो Realme XT, Vivo Z1 Pro और Vivo Z1 X है, जिसमें Vivo Z1 Pro में आपको 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी मिल रही है और Z1 X में 4500 और Realme XT में 4000। तो यहाँ पे जो डिवाइस पहले डिस्चार्ज हुआ वो Realme XT ही है। 6 hour 31 minutes तक चला है Realme XT और काफी अच्छा बैटरी बैकअप देता हुआ नजर आया। जबकि हमारे पास जो फाइनल दो मोबाइल बचे वो दोनों Vivo के हैं, Vivo Z1 Pro और Vivo Z1 X। हमें ऐसा लगा था कि इस बार Vivo Z1 Pro जीत जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। Vivo Z1 Pro Realme XT के लगभग 7 minutes के बाद ही डिस्चार्ज हो गया, यानी कि 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी है, 1000 mAh ज़्यादा है XT से, उसके बाद भी 7 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है ये। 6 hour 38 minutes में Vivo Z1 Pro कम्प्लीट डिस्चार्ज हो गया। तो हमारे इस टेस्ट का जो क्लियर विनर है वो है Vivo Z1 X, जिसने बैटरी बैकअप दिया 6 hour 57 minutes का, यानी कि 19 मिनट का ज़्यादा बैटरी बैकअप दिया है Z1 Pro से, जिसमें 500 mAh बैटरी कैपेसिटी भी ज़्यादा थी और लगभग सारे डिवाइसों को यहाँ पे काफी मार्जिन से हराता हुआ नजर आया Z1 X। तो हमारे इस टेस्ट का विनर है Z1 X और हम बोल सकते हैं सेकंड पोजीशन में Z1 Pro तो है, लेकिन Realme XT ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया और Realme X ने भी यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्म किया अपनी बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से। और सबसे पुअर परफॉर्मेंस हमारे हिसाब से Redmi Note 8 Pro की हमें लगी, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी ज्यादा होने के बाद भी इसने उतना अच्छा बैटरी बैकअप नहीं दिया है। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह का रिजल्ट था। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि ओवरऑल आपको किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ World।